वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। शेयर कर रही हूँ चिकन दो प्याजा की रेसिपी, जिसे मैंने बहुत ही सिंपल इजी तरीके से बनाया है। वन पॉट रेसिपी भी इसे आप कह सकते हैं, जो कि झटपट बन के तैयार हो जाती है और इसे आप दावतों में अपने मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं चिकन। तो यहाँ पर चिकन लिया है मैंने 1 kg, और चिकन को अच्छे से धो के साफ कर लिया है और इसका पूरा पानी स्क्वीज कर लिया है छन्नी में रख के। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो इसमें डाल देंगे नमक भी ज़रूरत, और उसके बाद डाल देंगे नींबू का रस, 1 नींबू का रस है ये। 1/4 tablespoon हल्दी पाउडर डाल देंगे। 1 tablespoon यहाँ पर रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ मैं, और 3 से 4 tablespoon इसमें डाल देंगे दही। दही के डालने से चिकन में जो स्मेल होती है ना, वो खत्म हो जाती है। अब हम चिकन को अच्छी तरीके से मसालों में मिक्स कर देंगे और इसे मैरिनेट करके रख देंगे आधा घंटे के लिए। आपके पास अगर टाइम हो तो आप इसे मिनिमम 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, उससे चिकन और भी अच्छा बनेगा और जूसी बनेगा। कढ़ाई में 1/2 cup oil डाल दिया है, और उसके बाद डाले हैं इसमें ये खड़े गरम मसाले, जिसमें है काली मिर्च, हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग, और उसी के साथ इसमें डाल देंगे तेज पत्ते। अब इसमें हम चिकन दो प्याजा बना रहे हैं, तो जो प्याज की क्वांटिटी है वो चिकन की क्वांटिटी के बराबर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरा 1 किलो प्याज ही लिया हुआ है, जिसे मैंने चॉप कर लिया है चॉपर में डाल के। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर प्याज जो आप चॉप करें उसे आप सिमिलरिटी से चॉप करें, इसे आप रफली भी चॉप कर सकते हैं, बस प्याज जो है ना वो बारीक चॉप होना चाहिए। प्याज को जल्दी से फ्राई होने के लिए मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है और गैस के फ्लेम को हाई रखा है। तो यहाँ पर प्याज को फ्राई होने के लिए हाई फ्लेम पर छोड़ देते हैं, और तब तक यहाँ पर मैंने लिए हैं अदरक और लहसुन, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ हैं और 2 इंच अदरक का टुकड़ा है। इसे हम हमाम दस्ते में डाल के इस तरह से क्रोसली क्रश कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर प्याज भी जो है ना वो काफ़ी सॉफ्ट हो गई है, और यहाँ पर प्याज का कलर भी चेंज होने लगा है। तो हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन, और अदरक लहसुन डालने के बाद प्याज को तब तक फ्राई करेंगे जब तक प्याज का कलर जो है ना ब्राउन नहीं हो जाता। तो जैसे ये प्याज का कलर ब्राउन हो जाता है, हम इसमें डाल देंगे कुटा खड़ा धनिया, जिसे मैंने कोर्सली हमाम दस्ते में डाल के कूट लिया है। मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से, और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। तो मैंने यहाँ पर पूरा 1 ग्लास पानी डाला है, क्योंकि हमें प्याज को थोड़ा सा गला लेना है। लिड से कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। 10 मिनट के बाद जब लिड ओपन करेंगे तो प्याज जो है वो काफी सॉफ्ट हो गई है और यहाँ पर प्याज घुलने लगी है। और अब इसमें डाल देंगे खड़ी लाल मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 5 खड़ी लाल मिर्च ली है। तो अब हम इसमें जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था वो डाल देंगे, और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, सारी चीज़ों को ऊपर नीचे करेंगे, ताकि प्याज जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से कोट हो जाए चिकन के ऊपर। तो जैसे ही सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है ना, हम यहाँ पर लिड से कवर कर देंगे इसे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जब लिड ओपन करेंगे तो चिकन ने यहाँ पर काफ़ी पानी रिलीज कर दिया है। तो अब हम इसी पानी में चिकन और प्याज को भूनते जाएंगे, ताकि चिकन अच्छी तरीके से यहाँ पर टेंडर भी हो जाए और प्याज जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए चिकन के अंदर। और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर की प्यूरी। 1 टमाटर था जिसकी मैंने प्यूरी बना ली थी, और उसी कटोरी में मैंने थोड़ा सा पानी लेके शामिल कर दिया है चिकन के अंदर, क्योंकि चिकन जो है वो हमारा पूरी तरीके से टेंडर नहीं हुआ है। तो टमाटर के पेस्ट को अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर देंगे और इसे लिड से कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। 15 मिनट के बाद जब हम लिड ओपन करेंगे ना, तो आप देख सकते हैं कि चिकन जो है ना काफी अच्छी तरीके से टेंडर हो गया है, और जो भी पानी था एक्स्ट्रा हमारे ग्रेवी के अंदर वो पानी भी ड्राई हो गया है, और चिकन जो है ना वो बेहतरीन तरीके से भून चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ये गरम मसाला पाउडर, ये मेरा होममेड गरम मसाला है। धनिया से इसे गार्निश करके इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे चिकन दो प्याजा की रेसिपी कम्प्लीटली हो गई है यहाँ पर तैयार। तो इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसे रोटी, पराठे, नान, किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहा है रोस्टेड चिकन हमने बनाया है, लेकिन चिकन दो प्याजा की रेसिपी है और बहुत बेहतरीन बन के तैयार होती है। इसे आप 1 pot chicken की रेसिपी भी कह सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत जूसी लगता है चिकन, और आप इसे किसी भी दावत के मेन्यू में रखते हैं, जैसे कि दावतों के मेन्यू में एक चिकन की रेसिपी होना लाजमी होता है, तो हम ये चिकन की रेसिपी भी शामिल कर सकते हैं दावत के मेन्यू में। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।